माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है, अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु मारुकमणि आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुधनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर, कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे, बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में, लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहाँ निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको तंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं, चाहे यूट्यूब पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले इस महीने में आपके लिए काफी ज्यादा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, आप बदल रहे हैं तो आपके आसपास के लोग भी, उनका ट्रीटमेंट आपकी तरफ बदल रहा है। आप बदल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ लोग तो अपने कपड़े पहनने का जो तरीका है, कुछ लोग अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल अगर देखें तो ये चेंज का समय रहेगा और मई के महीने में आपके अंदर एक अलग सा ग्लो आ जाएगा, आपके अंदर एक अलग सा रौनक होगी कि लोग आपको देखेंगे। हो सकता है आपके स्टाइल सेंस पे लोग काफी सारे कमेंट्स करें, उनको आपकी स्टाइल सेंस अच्छा लगे, वो कॉपी करें। अगर इस प्रकार की इंडस्ट्री में है जहाँ पे लोग आपके कपड़ों को देखते हैं, आपके मेकअप को देखते हैं, आपके तौर तरीकों को देखते हैं, तो वहां पर आपको स्पेशल अटेंशन मिलता दिखाई दे रहा है। इस समय में आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी कहेंगे जो भी करेंगे उसमें से कॉन्फिडेंस जो है झलकेगा। अगर आप ऐसे कमरे में भी जाएंगे जहां 100 लोग हैं तो वहां भी सभी लोग आपको मुड़ करके जरूर देखेंगे क्योंकि आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है आपका वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये एक ओवरऑल एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। आगे अगर देखें तो इस समय में आपको अंदर से बिल्कुल ही बचकाना जैसा, बचपना जैसा ऐसा एक्साइटमेंट होगा, ऐसा लगेगा जैसे लाइफ थोड़ी रिन्यू हो गई है। काफी लंबे समय से आप क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, तो मई का महीना जो है आपको उस प्रेशर में जो है वो रिलीफ देगा।
आपको अपना चाइल्डहुड कोई फ्रेंड मिल सकता है, उसके साथ भी इस समय में समय बिता सकते हैं। आप किसी हॉबी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ फिर से आपको बच्चा होने का मन करेगा। कुछ लोग मुझे एडवेंचर पार्क जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे झूले झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब एक अच्छी एनर्जी आपके लिए है और फ्रेंड्स से या चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिलते हुए तो आप दिखाई दे ही रहे हैं। इस समय में लोग आपको बहुत देखेंगे लेकिन आप किसी को भी नहीं देखेंगे, आपकी नजर केवल अपने ऊपर होगी, तो आपको ज्यादा लोगों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस समय में कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो सकता है, आप कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आपको कुछ हायर पोजीशन मिल सकती है अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं या करियर में ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा स्पेशल ऑफर लेटर आते दिखाई दे रहा है जो कि आपका ड्रीम जॉब था एक तरीके से, वो भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप बहुत एक्साइटेड हैं। अगर आप लेडीज हैं और किसी इवेंट में जाने वाली हैं तो कुछ नेट जैसा कुछ लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट है, क्रीम है या गोल्डन है और कुछ नेट जैसा है। ऐसे ही एक भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। जय शनिदेव, हम भवानी प्रसाद। गुरुमा से वीडियो कॉल में हम बात किए थे तो गुरुमा उपाय बताए थे, फिर कुछ रतन दिए थे, उस रतन को पहने और उपाय किए तो हमें बेनिफिट मिला और अच्छा लगा। तो अभी गुरुमा के दरबार में आए हैं और अभी मिलकर आप जा रहे हैं। ये हीरा रत्न हम पहने हैं, गुरुमा दिए थे, इससे हमको बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मतलब आगे बढ़े बिजनेस में, करियर में बेनिफिट मिला हमको। इस समय में आप जहाँ छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, चाहे अपने ऊपर चाहे अपने कपड़ों पर, वो बोलेगी, वो आपको लोगों से जोड़ेगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएगी, आपको पैसा आपका वापस ला करके देगी। अगर आप छोटा सा पैसा सेविंग्स में भी डालेंगे, चाहे वो बहुत छोटी अमाउंट हो, वो भी आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाली है। तो सेविंग्स इस समय में होती दिखाई दे रही है। इस समय में आपको आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बच्चों से, उनसे भी फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, या फिर आपके घर के छोटे भाई बहन है उनसे भी फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अगेन आ सकता है कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उतने तरीके से आपको, उतने ही प्यार से आपको एक्सेप्ट ना करे, या वो आपको प्रेम में निराशा मिल जाए। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और आप अपने मन की बात उनके सामने रखें लेकिन वो आपका मन दिखा दें, पूरी तरीके से ना करते हुए व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से या उनके आपको अवॉइड करने की वजह से आप काफी निराश प्रेम में समय हो सकते हैं। कुछ लोगों के सामने अगर आप मैरिड नहीं हैं और आप अभी सिंगल हैं और शादी का प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे रिश्ते आ सकते हैं जो अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, जो आपके स्टैंडर्ड से बहुत बिलो हैं, जिनके साथ आप करना नहीं चाहते, ऐसे लोग आपके पीछे इस समय में पड़ सकते हैं। आप अपने घर में कोई ट्रीट देते हुए, कुछ लोगों को कुछ बुला के खिलाते हुए या कहीं पिकनिक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों का भी काम फिजिकल है, चाहे जिम वगैरह है, स्पोर्ट्स का काम है, फिजिकल काम है, हाथ पैरों का बहुत यूज करते हैं, या आपका आना जाना कहीं बहुत ज्यादा है, आपका सेल्स का काम है, आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, तो वो काम थोड़ा स्ट्रेसफुल आपका इस समय में हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपका गट बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो ग्लो करता रहेगा। अगर किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो वो भी रिपेयर इस महीने में हो सकती है, या आपको ऐसा कोई तरीका मिल सकता है जिससे आपकी स्किन जो है फिर से रिजुविनेट हो सके, अच्छी हो सके। इस समय में लोग आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे, सोशल मीडिया स्टॉक कर सकते हैं, स्टेटस स्टॉक कर सकते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को आप नहीं दिखाना चाहते आप अपनी लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको प्लीज ब्लॉक कर दीजिए या उसको किसी तरीके से हाइड कर दीजिए ताकि वो आपको ना देखे, क्योंकि निगरानी तो बहुत से लोग आप पे रखने वाले हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए, इसका भरपूर आनंद उठाइए। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब ही भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहां पे भी है, वृषभ राशि जहां भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहां उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए। 1 मई को, क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं उसे कर लीजिएगा।
एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें, गुरुवार के गुरुवार पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज दे सके, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा करके आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहां झाड़ू लगा दी, वहां किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए, जरूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज यूज हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार वीरवार, बृहस्पतिवार। नहीं कर सके तो जितना भी कम कर सके, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सके तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण है और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।